आज मैं सत्यम कुमार ठाकुर मधुबनी के महंती लाल चौक पर आए हैं और हमारे सामने आप लोग देख रहे होंगे ये मूर्ति का दुकान है जहाँ अभी लक्ष्मी गणेश और भी कई प्रकार के जो मूर्तियाँ हैं सो यहाँ मिलती हैं। और हमारे सामने इस मूर्ति दुकान के मालिक हैं, तो चलिए इनका नाम पूछते हैं। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विनय कुमार पंडित हुआ। ये दुकान आप ही का है? भैया आप जरा बताएं कि जो मूर्ति सब है इसमें किस साइज का मूर्ति का कितना प्राइस है? छोटे से 20 रुपए से हम लोग का भी चलता है, 20 रुपए से स्टार्ट है और 200-250 तक का रेंज है, इसमें सभी रेंज आते हैं 20 रुपए से स्टार्ट करके जी। और ये सब BOP की मूर्ति है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो लोग बाहर जाते हैं, चुनार जाते हैं, बनारस जाते हैं लाने के लिए, वहाँ से ढो के लाते हैं। हम लोग अपना यहाँ पे फैक्ट्री है, यहाँ खुद बनाते हैं, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग खुद होता है। पूरे मधुबनी जिला में, मधुबनी जिला में एक ही मात्र फैक्ट्री है जो हमारे पास है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। ये सारी सभी जितने भी आपको फैंसी मूर्ति, कलाकृति मूर्ति देख रहे हैं, ये सब यहाँ की है, जो हैंडमेड है। जैसे कि ये पीछे में बड़ा साइज का मूर्ति हो गया, तो इसको ये जो मूर्ति है ये मूर्ति मिट्टी की है, ये मूर्ति जो है सो इसमें सजावट किया हुआ है, ये सारा सजावट किया हुआ है। कपड़े छोटे छोटे मूर्ति में बारीकी से काम किया हुआ है, इसमें देख सकते हैं कितनी बारीकी से काम किया हुआ है पूरा सारा कुछ का, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी मूर्तियां हैं, लोग जो बाहर जाते हैं उनको हम यहीं पर अपना सारा कुछ काम करके और यहीं पर सप्लाई देते हैं। अब जैसे कि पिछले साल किस प्राइस में मूर्ति था, इस प्राइस में इस साल किस प्राइस? महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन मूर्तियों पर हमारा जो है सो कोई रेट नहीं बढ़ा है। जो पिछले साल हमने, जो पिछले साल का जो रेट है हमारा, बस वही रेट पे हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। महंगाई तो है, बहुत से ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। जरा आप फैक्ट्री दिखाना चाहेंगे इसका? हम आपको अपनी फैक्ट्री दिखाते हैं, चलते हैं जी। तो आप लोग देख सकते हैं यही है इनका मूर्ति फैक्ट्री। ये मेरे पिताजी हैं और इन्हीं का सारा काम किया हुआ है जी। ये जो आप मूर्ति बनाते हैं तो इसमें क्या सब यूज करते हैं बनाने में? इसमें प्लास्टिक पेंट वगैरह यूज होता है जी, और जिसमें शाइनिंग आता है, ग्लो शाइनिंग, और बहुत सारे कलर हैं, वेरिएंट है जिससे मूर्ति जो फैंसी बनाया जाता है। बाहर से हम लोग लाते हैं, कुछ फैब्रिक कलर भी यूज करते हैं हम लोग बाहर से। यहाँ पर देख सकते हैं कि मूर्ति किस तरह से पेंट किया जाता है, थोड़ा उसको जूम करके देख लीजिए। ये सारी मूर्ति है, इसमें कलर का सेट इसी तरह से पड़ता है। धन्यवाद।